12 साल की उम्र में मेरी मम्मी की शादी हो गई थी और 14 साल की उम्र में हम दो बहन भाई, 14 साल की उम्र में ही उनको डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और पढ़ाई करने के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि निज़ामुद्दीन का जो माहौल था वो बहुत ही पर्दे वाला माहौल था और उस पर्दे वाले माहौल से बाहर निकल के पढ़ाई करना उस टाइम पे लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत करी और खुद भी पढ़ा और हमको भी पाला। अम्मी के स्ट्रगल के बाद फिर हम लोगों की बारी थी। जो ऑब्जेक्शन था वो बाहर से नहीं, मेरे खुद के अपने घर से था। फिर भी मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कटिंग टेलरिंग का कोर्स करवाया, कंप्यूटर कोर्स भी करवाया मुझे। मुझे एक जॉब के लिए ऑफर आया और वो जॉब मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरे मामा ने कहा कि आप एक लड़की की कमाई खाओगी और ये लड़की है नौकरी करने जाएगी, तो मेरा जो जॉब करने का जो ख्वाब था वो ख्वाब ही रह गया। अनहद के ज़रिए मैं धानी के साथ जुड़ी हूँ। हमें उम्मीद है कि जो स्ट्रगल, जो मुश्किलें मेरी अम्मी को देखनी पड़ी थी और उसके बाद धानी से जुड़ने के बाद वहाँ की औरतों को उन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो एक जॉब करने का जो मेरा ख्वाब था मुझे वो पूरा होता हुआ नज़र आया।